हाय फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं मोटर डॉग साइलेंसर्स को। एंड फर्स्ट हमारे पास है शार्क, एंड इसके डिफरेंट मॉडल भी मेरे पास हैं जो मोटर डॉग साइलेंसर के, अगर आप देख सकते हैं तो तीनों मॉडल मेरे पास अवेलेबल हैं। एंड आज हम इसका फर्स्ट हम देखेंगे अनबॉक्सिंग वीडियो, देन हम देखेंगे इसके बाद मैं इसको फिटमेंट करूंगा तीनों साइलेंसर को, एंड आपको साउंड सुनाने वाला हूँ। एंड उसके बाद हम देखेंगे इसकी क्वालिटी, क्या इसके अंदर क्वालिटी है, फीचर्स हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे कहाँ से आप इसको इजिली बाय कर सकते हैं। तो लेट्स सी। फर्स्ट मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ब्लैक शार्क को, तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि कैसा है ब्लैक शार्क लुक में। तो मैं थोड़ा फास्ट ही आपको करके दिखाता हूँ। तो ये है मोटर टॉर्क शार्क साइलेंसर। पैकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंड फीचर हम बाद में देखते हैं, पहले बाकी दो भी हैं उसको भी अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप पैकिंग में देखेंगे तो यहाँ पे फुल्ली डिटेल दिया हुआ है कि ये क्रोम, फुल्ली क्रोम मॉडल है। अनबॉक्स भी इनका अच्छा है, नॉर्मल है, कैरिडेटिक कार्टून है। ये फुल्ली क्रोम मॉडल है, नेक्स्ट मॉडल को हम निकालते हैं। ये है हाफ क्रोम, हाफ क्रोम को हम देखते हैं। मैंने मैक्सिमम साइलेंसर बहुत सारी गाड़ियों में देखा हुआ है, तो हम इसका डिटेलिंग बात करेंगे अभी कि इसकी डिटेलिंग। उससे पहले आप इस साइलेंसर का साउंड सुन लीजिए, कैसा ये साउंड है। फर्स्ट मैं आपका एक डाउट ले करना चाहता हूँ जो मैक्सिमम लोगों का रहता है, दैट इससे माइलेज या इंजन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फॉर श्योर नहीं पड़ेगा, बिकॉज जितने भी साइलेंसर मोटर टॉर्क कंपनी बनाती है वो सभी साइलेंसर्स डायनो अप्रूव्ड हैं। डायनो अप्रूव्ड मीन्स डायनोमीटर आता है जो पावर टॉर्क मेजर करता है, तो ये सभी साइलेंसर डायनो अप्रूव्ड हैं, जिसमें आपको 15% परफॉर्मेंस गेन होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस साइलेंसर में। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके प्लेटिंग के बारे में। तो प्लेटिंग इसका हीट रेजिस्टेंस कोटिंग आता है, जिससे ड्यूरेबिलिटी बनती है, लॉन्ग टर्म में डल नहीं होता है। एंड इसके इनसाइड सिरामिक ब्लैंकेट आता है, जिससे इंसुलेशन का काम करता है, आपके आउटर साइड के लिए इंसुलेशन का काम करता है। एंड साउंड उससे बहुत ही ज़्यादा, जिसे जो थंब बोलते हैं, जो बैस बोलते हैं, वो इंक्रीज होता है, तो वो एक अच्छा फीचर है। एंड अगर मैं उसके बाद बात करूँ इसकी जो फिटमेंट है, तो फिटमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है ये क्लैम्प। इसका जो देखेंगे वो यूनिवर्सल क्लैम्प है, आप किसी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक में आपको ईजिली आप फिट कर सकते हैं। इसका क्लैम्प बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आपको आराम से आप कहीं भी इसको फिटमेंट के लिए लगा सकते हैं। हर साइलेंसर्स में वो ईजिली नहीं आता है और आपको फिटमेंट करने में इशू होता है, बिकॉज उसके साथ क्लैंप आपको कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता, आपको मार्केट से आफ्टर मार्केट परचेस करना पड़ता है। तो इसके साथ में वो खुद देते हैं, विद इन 5 to 10 minutes में इजीली ये साइलेंसर फिट हो जाता है। मोटर टॉर्क कंपनी की एक बेस्ट चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सिक्योरिटी के लिए वो 6 month वारंटी देते हैं, जिससे आप कुछ भी मेजर इशूज़ हैं वो कवर करते हैं। जस्ट आपको एक ट्रांजिट कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, दैट्स इट। आपको वो साइलेंसर में आइदर रिपेयर और रिप्लेस, डिपेंड्स करता है क्या इशू है। एंड अब हम बात करते हैं कहाँ से आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं बेस्ट रेट में। तो आप मोटर टॉक जो नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मोटर टॉक www.motortalk.in में आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।
हाय फ्रेंड, इट्स इज जस्ट मैसेज टू यू कि मैं सून मोटरडॉग साइलेंसर पे एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि मैं आपने साइलेंसर फिटमेंट करके आपको राइडिंग के टाइम पे दिखाऊंगा कि कैसा साउंड आता है। तो स्टे ट्यून, आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, एंड आई होप कि वो वीडियोज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। लव यू ऑल, टेक केयर।